नमस्ते दोस्तों, अनीता जैन रेसिपी में आपका स्वागत है। मैं अनीता जैन, आज तिल और गुड़ के लड्डू बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तिल और गुड़ के लड्डू बनाने के लिए मैंने लिए 1 कप तिल और 1 कप ही गुड़ लिया है। अब सबसे पहले हम तिल को रोस्ट करेंगे। इसे पैन में डाल देंगे और इसे कंटिन्यू चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। गैस फुल कर दूंगी मैं और इसे इस तरह से चलाती रहूंगी। इन्हें मैंने फुल आंच पर रोस्ट कर लिए है। इन्हें मैंने 3 मिनट पकाया है। गैस बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे बाउल में। अब गुड़ की चाशनी तैयार करेंगे तो इसके लिए 1 टेबल स्पून घी डाल देंगे। घी मेल्ट हो गया है, अब इसमें गुड़ डाल देंगे। गुड़ को मेल्ट होने देंगे, थोड़ा सा 2 टेबल स्पून करीबन पानी डालेंगे, ज्यादा नहीं। इसे मेल्ट होने देंगे। गुड़ हमें सिम आंच पर ही मेल्ट करना है, फुल आंच नहीं करेंगे। अगर फुल कर देंगे तो गुड़ जलने लग जाएगा। तो इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे और गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। गुड़ मेल्ट हो गया है, अब इसमें 1-2 उबाल आने देंगे। गैस फुल कर दी मैंने और इसे कंटिन्यू चलाती रहूंगी। इस तरह हमें इसकी चाशनी तैयार नहीं करनी, बस 1-2 मिनट और पकाना है। 1-2 उबाल आ गए, अब चेक कर लेते हैं और गैस सिम कर देंगे। ये मैंने नॉर्मल पानी लिया है, इसमें डाल के देख लेंगे। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से चेक करना है। हमें इसकी हार्ड चाशनी नहीं तैयार करनी, बस सॉफ्टी रहे। अगर हम हार्ड कर देंगे तो इसे ये खाए नहीं जाएंगे, बस इस तरह से सॉफ्ट रहनी चाहिए। देखिए इस तरह से चाशनी बननी चाहिए। अब इसमें हम तिल डाल देंगे। गैस सिम ही रखें इस समय। अगर हम गैस बंद कर देंगे तो गुड़ हार्ड हो जाएगा, तो इसे इस तरह से चलाते रहे। ये सभी चीज अच्छे से मिक्स हो गई है। अब गैस बंद कर देंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। ये हल्का सा ठंडा हो गया है, अब इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। 1/4 चम्मच करीबन इलायची पाउडर है, 1 चम्मच पिस्ता और 1 चम्मच बादाम डाल देंगे और इन्हें मिक्स कर लेंगे। ये सभी चीज अच्छे से मिक्स कर लिए और थोड़ा ठंडा भी हो गया है। अब हाथों में घी लगा लेंगे और हम लड्डू तैयार करेंगे। अब ये प्रोसेस हमें फास्ट ही करना है। पहले तो इस तरह से कर लेंगे और फिर से राउंड दे देंगे। लड्डू छोटे बड़े कैसे भी बना सकते हैं, मैंने इस साइज के बनाए हैं। एक और बता देती हूँ मैं, इस तरह से प्रेस करेंगे पहले और फिर राउंड दे देंगे। इस तरह से सभी लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। ये मैंने लड्डू बना लिए, ये लास्ट में रह गए हैं तो ये बन नहीं पा रहे हैं, तो इसे थोड़ा सा गर्म करेंगे। बस हल्का सा ही गर्म करना है, गैस बंद कर देंगे और इनके लड्डू तैयार कर लेंगे। ये हमारे तिल और गुड़ के लड्डू बनके तैयार हो गए हैं, अब इसे आप भी ट्राई कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक इनसे जरूर करिए और आने वाले सभी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।